हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ATSE 2020 एग्ज़ाम के बारे, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में, जो कि इंडिया फर्स्ट एग्ज़ाम सेंट्रलिस्ट एग्ज़ाम है, जिसमें आपको ऑनलाइन घर बैठे आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और इसका सारा मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या अवार्ड्स मिलेंगे, कितने रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा, और इसके सिलेबस क्या हैं, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको ये एग्ज़ाम देने के लिए। इस एक वीडियो को लाइक कर दें, मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अवार्ड की बात करूँ, तो आपको यहाँ पे अवार्ड जो मिलता है वो है, फर्स्ट जो अवार्ड है वो है 50,000 का, ठीक है, जिसमें आपको मेडल्स भी मिलेगा, गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ अवार्ड्स जो होगा ये 8 होगा, यानी कि 8 स्टूडेंट को 50,000 मिलेगा, फर्स्ट रैंकर जो होंगे उनको, ठीक है। और जो कैश प्राइस जो टोटल हो गया वो 4 लाख हो गए। सेकेंड जो प्राइस है वो सेकेंड रैंक के लिए जो है वो 20,000 है, जिसमें आपको मेडल जो मिलेगा वो सिल्वर मेडल मिलेगा, और फिर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, और इसमें भी नंबर ऑफ़ अवार्ड्स जो हैं वो 8 हैं, ठीक है, 1.6 लाख इसका टोटल प्राइस हुआ। थर्ड जो प्राइस आता है, रैंक आता है, वो है 10,000, जिसमें आपको कैश प्राइस मिलेगा 10,000, और जो मेडल है वो ब्रॉन्ज है, ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो है वो भी आपको मिलेगा इसमें, और नंबर ऑफ़ अवार्ड सेम इसमें 8 है, और 0.8 लाख का ये टोटल प्राइस मिलता है आपको। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 4 to 50 जो भी रैंक आएंगे जिसके भी, तो उन सारे को जो है वो 1,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, इसमें मेडल्स नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन आपको मिलेगा, और जो टोटल नंबर ऑफ़ अवार्ड्स होंगे यानी कि 4 to 50 रैंक्स के अंदर वो होगा 7,376 आपको नंबर ऑफ़ अवार्ड्स यहाँ पे स्टूडेंट को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो 3.76 लाख हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी रैंक्स होंगे 50 के अबव, तो उनको जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि सारों को मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ सारा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपको। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस सिंपल सा है, अगर आप क्लास फिफ्थ से क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने क्लास ट्वेल्थ एक साल पहले पास किया हुआ है 2019 में, ठीक है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और आपको बस इंडियन नेशनल सिटीज़न आपको होना चाहिए, ठीक है, और क्वालिफाइंग का एज नहीं है, और जो भी आपका अगर एज है 12th पास कर लिए हैं आपने पिछले साल, तो आप ये जो है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कोई भी बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल जो भी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड जो बोर्ड है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस ऑफ ATSE 2020 इज़ एट पर दी रेस्पेक्टिव क्लास NCERT सिलेबस, जो भी आपके क्लास का NCERT का सिलेबस है उसी के हिसाब से ये सिलेबस होगा, जिस क्लास में आप हैं, तो उसी का सेम क्वेश्चन जो आपके बुक का है NCERT वो आप फॉलो करेंगे, तो आप ये पूरा जो है कवर कर सकते हैं इस सिलेबस को। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो ATSE 20 इज़ डिक्लेयर बिलो, ठीक है, इट विल बी ऑनलाइन टेस्ट ऑफ द फ्लोइंग पैटर्न। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि आपको AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो होता है उसके थ्रू लिया जाएगा, और जो ड्यूरेशन होगा ऑनलाइन टेस्ट का वो होगा 1 आवर्स। तो यहाँ पे आपको +4 मार्क्स मिलेगा आप अगर एक सही करते हैं, और निगेटिव मार्किंग होगा अगर आप एक गलत कर देते हैं तो, ठीक है, अगर अटैम्प्ट करते हैं गलत हो जाता है तो आपको 1 मार्क्स माइनस होगा। यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वहाँ होंगे आपको 100, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 1 आवर्स टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे क्लास 5 to क्लास 10th के लिए मैथ्स और साइंस होंगे, जो भी मैथ्स और साइंस जिस क्लास के हैं आप उसी क्लास का आपको मैथ्स और साइंस का जो भी क्वेश्चन होगा वो होगा, और फोर क्लास 11th और 12th यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, ठीक है।
जो ये एग्ज़ाम है वो सिर्फ अगर 11th 12th की बात करें वो सिर्फ साइंस वालों के लिए है और बायो वालों के लिए है, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री यूज में है, कॉमर्स के लिए ये नहीं है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। यहाँ पे मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ कि ये लास्ट डेट आप कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्ली रजिस्ट्रेशन जो था वो एंड हो गया है 3 मई को, ठीक है, 3 मई को। उसके बाद फिर ये डेट एक्सटेंड किया गया है 15 मई, ठीक है, और जो कि 15 मई, 3 मई तक जो भी चार्ज था आपको इसका वो 300 था, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट जो अभी फिर से आप 3 मई के बाद जो अप्लाई करेंगे उनका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको 150 का ऑफ मिल जाएगा कूपन कोड यूज़ करने से, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस लिंक से आप अप्लाई कर लेंगे और कूपन कोड वहाँ पे मिल जाएगा तो आप यूज़ कर लेंगे, जिसमें आपको 350 में आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ATSC एग्ज़ाम का, जिसमें 150 आपको ऑफ मिल जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एग्ज़ाम डेट होगा वो दिसंबर में होगा, ठीक है, दिसंबर 2020 में, और जो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट होगा वो 1 महीने के बाद आपको जनवरी में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है अप्लाई। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करके। आपको लिंक जो है मिल जाएगा इस पेज का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब आप पेमेंट करेंगे तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी, क्लास किस क्लास में है आप, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, बोर्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे कि CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड है आपका या अदर कोई बोर्ड है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फिल करके मैं अप्लाई करता हूँ, आगे मैं यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे नेम मैंने लिख दिया MD आसिफ रज़ा, जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे, आप मोबाइल नंबर दे देंगे और ये भी ईमेल आईडी आपको दे देना है, और क्लास जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे, तो जैसे ही आप अप्लाई कर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको OTP इंटर करना होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे गया होगा। तो यहाँ पे मैं OTP इंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको डिटेल्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फादर्स का नेम लिखना है, ठीक है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट में जो भी होगा वही आप इंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिटी आप सिलेक्ट कर, जो भी यहाँ पे आपको फुल एड्रेस देना है, जो भी आपका फुल एड्रेस है। यहाँ पे पिन कोड यूज़ करना है आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको स्कूल्स का नेम लिखना है, जिस स्कूल में आप पास आउट हुए हैं या अभी पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। जैसे ये फिलअप कर लेते हैं सारा, तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सारा फिलअप करने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा ATSC एग्ज़ाम क्लास 12th, ठीक है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपने फ़िलअप किया हुआ है। तो यहाँ से आप वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सारा हो जाता है तो आई कंफर्म वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, अगर कुछ आपको गलत आपने फिलअप किया हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है एड कूपन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम से, और पेमेंट का और सारा भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड से, नेट बैंकिंग, वैलेट, UPI, ठीक है, तो इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको कूपन ऐड कर लेना है, जिसमें आपको 150 का ऑफ मिल जाएगा। तो वो जो कूपन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वो। तो यहाँ पर मैं कूपन पेस्ट कर देता हूँ और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹350 का जो है वो ऑफ मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना है, पे नाउ पे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ अपना यूपीआई, यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना है, ठीक है। आपको ये ऐसा ऑप्शन आपको लॉगिन होके आ जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, ठीक है। आपका कोड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, एडमिट कार्ड देख सकते हैं, आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको टेस्ट देना होगा इस तरह से, तो यहाँ पे आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर दी ATSE मॉक टेस्ट। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा दूंगा फिर से, ठीक है। आप मोबाइल से भी टेस्ट दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, जो कि आपको लैपटॉप ही यूज़ करना होगा सिस्टम। तो यहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट देकर, ठीक है। उसके बाद सैंपल पेपर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो भी है सैंपल पेपर। तो यहाँ पे सैंपल पेपर में आपको क्लास 5th का साइंस मैथ का आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास 6th का, सारे क्लास का यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल पेपर, किस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ पे जो भी आपका अचीवमेंट होगा यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं इनको, जो कि 9 to 6 PM तक ये खुला रहता है, ठीक। तो इस तरह से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम का होता है आप अपना मॉक टेस्ट दे के प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी आपका सैंपल पेपर है वो डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम का, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।